अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं थी, जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि असद भाई आप तुर्की में हो और हमें चाहिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तुर्की के हवाले से कि तुर्की में ज़्यादा किस चीज़ का ज़्यादा काम है। और हम लोग आ तो जाते हैं तुर्की में, लेकिन हमें पता नहीं होता तुर्की के बारे में, तुर्की में ज़्यादा काम कौन सा है, हमें जाकर क्या करना है, वहाँ पर कितनी सैलरीज वगैरह हैं, और जो यहाँ पर ज़्यादा काम, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ताकि उनको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, थोड़ा सा गाइड कर दूँ, ताकि उनको यहाँ पर आकर आसानी रहे। ये हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं, क्या तो मैं इनसे कुछ पूछूंगा, कुछ सवाल, इनको कितनी देर हुई है यहाँ पर हैं और यहाँ पर सैलरीज वगैरह कितनी है और ये क्या काम करते हैं। तो ये हमारे चाचा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो आपको कितनी देर होगी इधर आए? मुझे इधर 8 माह। 8 माह गए हैं जी। तो आप जरा हमें अपने पाकिस्तानी भाई को जरा गाइड करें, ठीक है? जो भी बात बतानी है सारी जानी, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? 8 माह गए इधर आए जी। पाकिस्तान में आप क्या करते थे? उधर मैं ड्राइवरी करता था। ड्राइवरी? तो पाकिस्तान में आप कितने पैसे कमाते थे? यही 20,000 रुपये कमा रहे थे। 20,000 रुपये? और इधर आकर आप कितने पैसे कमा रहे हो? इधर 30,000 कमा रहे हो। 30,000 रुपये? आप यहाँ पर काम क्या करते हो? तोपले का। तोपले का, तोपले का, ये बटन वटन लगते हैं, ये जर्सियाँ वगैरह वगैरह, ट्रोजर, बच्चों के ये नैपियाँ नुपियाँ बनती हैं, उनको भी टिच बटन लगते हैं, बड़े बटन लगते हैं, ये तो फिर ये मशीनें हैं बड़ी होंगी, कैमरा भी है। अच्छा, तो जब आप तुर्की में आए, आपको आसानी हुई काम मिलने में या थोड़ा मुश्किल हुई? बिल्कुल आसानी हुई, काम भी मुश्किल नहीं है। तो स्टार्टिंग में आकर आप कितनी सैलरी लेते? 1300 रुपये। तो जैसा कि हमारे चाचू जी हैं, अभी आपकी कितनी सैलरी है? अभी 1400। 1400। तो 8 माह इनको हो गए इधर आए, ठीक है? जब ये आए थे 1300 रुपये इनकी सैलरी थी, ना इनको बटन वगैरह लगाने आते थे पाकिस्तान में, नहीं, ये पाकिस्तान में आपने कभी काम किया? ये बना ही नहीं। तो चाचू जी ने इधर आकर 1300 इनकी सैलरी लगी, आज से आठ माह पहले इनको 8 माह इधर हो गए आए हुए, ठीक है? अभी इनकी सैलरी हुई है 1400 रुपये, जो कि पाकिस्तान ने 30,000 रुपये, 30,000 रुपये बनती है। और यहाँ पर जो ज़्यादा तुर्की में काम है ना, वो कपड़े का है, ठीक है? कपड़े का हो गया, ये जैकेट वगैरह है, ये जैकेट वगैरह। और यहाँ पर ज़्यादा जो आप लोगों को काम मिलेगा वो शर्टों, पैंटों का और यही चीज़ों में मिलेगा। और जो आपकी आते अपना सैलरी लगेगी स्टार्टिंग में किसी भी काम पे, 1300 रुपया स्टार्टिंग में आपकी सैलरी लगेगी। और जैसे ही आप पुराने बंदे होते जाएंगे, आपको ज़ुबान आएगी, फिर आपकी 1500, 1800, 2000, 2500 ऐसी सैलरी होगी, ठीक है? तो ये हमारे भाई हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अच्छा, तो रिजवान भाई आपको कितनी देर हुई इधर आए? हम तो यहाँ पे आए हुए 6 माह हो गए। 6 माह हो गए हैं। तो जब आप इधर आए, आपकी कितनी सैलरी लगी स्टार्टिंग में? मेरी सैलरी उस टाइम 1250 रुपये लगी थी। 1200 सैलरी इस भाई की लगी, ठीक है? हालांकि चाचू जी की 1300 लगी। अच्छा, तो काम क्या करते हो आप? काम मैं यहाँ पे कपड़े का करता हूँ, बटन वगैरह लगा लिए, काज कर लिए। बस कौन से बटन? बटन की शर्टों को, सेंटों के जो साथ होते हैं। अच्छा, तो ये भाई इनको 5 माह हो गए इधर आया, और ये जब अपना शर्टों पे लगते हैं ना बटन, ये यहाँ पर लगाते हैं। सैलरी कितनी है? सैलरी इस टाइम अब मेरी 1500। 1500 रुपये, माशाल्लाह। तो अभी इनकी सैलरी 1500 है, जब ये आया था 5 माह पहले तब इनकी 1250 थी। जुमान भाई आप अब कितने पैसे कमा रहे हो पाकिस्तानी? 1500 सैलरी है, वैसे यहाँ पे ओवर टाइम भी लगता है, ओवर टाइम लगा के बीच में जो है 1700-1800 भी बन जाता है। तो 1700-1800 रुपये आप कमा रहे हैं एक माह ओवर टाइम लगा के जी? तो कितने पैसे बन जाते हैं पाकिस्तानी? पाकिस्तान में अपना खर्चा निकाल के जो है 35,000-30,000 आराम से। तो पाकिस्तान में आप कितने पैसे कमाते थे? पाकिस्तान में नहीं कमाता था, 10-15,000 इस ज़्यादा नहीं कमा। 15,000। तो अभी आपने क्या डिसाइड किया? 5 माह आपको हो चुके हैं, आप 30,000 रुपये पाकिस्तानी कमा रहे हो। अपना कुछ बताया ना तुर्की के बारे में, आप पाकिस्तानी भाइयों को बताया कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी है उनको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि यार यहाँ पे आकर बेवकूफ़ी करता है बंदा, सही है? क्योंकि 25 से 30,000 इंसान वहाँ पर आराम से कमा सकता है बंदा पाकिस्तान में भी, तो यहाँ भी वही कुछ ही है, बस 25 से 30,000 घर बेच सकता है, तो वो भी बंदा वहाँ पे आराम से अपने घर वालों के साथ रह के कमा सकते हैं। क्या आपका मतलब है जो आप पाकिस्तानियों को यही कहेंगे कि यहाँ पर ना आए, यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, कि आप घर वालों से दूर होते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आप कमाते भी उतना ही है, ये 4-5,000 का कोई फर्क नहीं है। सही है।
अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो ये हमारे भाई इरफान हैं। तो इरफान भी आपको कितने देर हो गई इधर आए? भाई जान तारी मेरी गुजारिश ये है कि आप मेरे साथ पंजाबी में बात करें। कोई मसला नहीं, आप पंजाबी में बात कर लें, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो 2 महीने हो गए इधर आए। 2 महीने हो गए? हाँ जी। तो कितने पैसे कमा रहे थे? सर जी 1300 रुपया कमा रहे हैं। काम की कर रहे थे? काम तो अपने का करता जी। मसला कपड़े का? जी कपड़े का काम करना। सही हो गए। कपड़े से करते हो या बटन शटन? जी बटन शटन लाना, इशारे शुरे लाना जी। पाकिस्तान सर जी मेरा माम जी। अच्छा, उत्थे तकरीबन 25-30 हज़ार महीने का कमा लग गया। इत्थे किन्ने कमा रहे? सर जी इत्थे कोई नहीं, बस आए जी समझो गुजारा ही चल रहा, सिर्फ परेशान। इत्थे आन दा कोई फायदा? सर कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है जी? सर कोई फायदा नहीं। दसो जरा अपने पाकिस्तान में। सर जी गुजारिश है कि पाकिस्तान तो जड़ा कोई इधर आ रहा ना, उधर की गुजारिश है कि इधर पाकिस्तान जी इधर बेहतर है। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत ही अच्छा मुल्क है। ठीक है, पाकिस्तान में कोई मुल्क नहीं रलता। बाकी गल है जी, इमरान खान साहब में सर जी गल कर सकते हैं? बिल्कुल। इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब, तुसी बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे लीडर हो। इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह करे अगला साल भी 5 साल लड़े हो ना। तो सर मेहरबानी है कि इमरान खान साहब ये तुरके जो से कमा कर उन्हें एक तो पहले नंबर पर चोरियाँ डकैटियाँ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उस तो बाद इमरान खान साहब तुसी अगले दिन आए रहे हो, मैं सुने आए रहन, लेकिन मेरा दिल से थोड़े न मुलाकात करन ते, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थोड़े नाल। दुगान साहब नाल गल करो तुसी, बराए मेहरबानी मेरे बंदे तुसी वापस बुला रहे हो, वापस लिया ला ना बुलाओ। असं हूँ इतना खज्जल खुआर जलील हो के आ गए हैं इतने, घर बुआ छड़ के जो दिल आई वह ख्वाहिश साड़ी सी अल्लाह करे वो पूरी हर एक दी हो गए। उस तो बाद इमरान खान साहब मेहरबानी ये करो, वोट पहले भी दवान दिता है इंशाल्लाह अल्लाह दे, मेरा पिछले साल भी दवानी वोट देना है। उस तो बाद इमरान खान साहब गल ये कि यूनान वाला बार्डर तुम खुलवाओ एक बार, सारे भरा पाकिस्तानी यूनान टुर जान, उत्थे जाके ईजी हो जा संदे। लिहाजा मेहरबानी ये करो कि तुर्की में असं यास परेशान हाँ बाकी, लेकिन एक तुम पाकिस्तान वापस आ गई ना साडा कख नहीं लाता। सही है, बराए मेहरबानी इमरान खान साहब गुजारिश है तुहाडे अगे, मेहरबानी ये करो यूनान का बार्डर खिलाओ, जो भी करो सन इतों इतों तुर्की तो कढ़ो, सन वापस ना बुलाओ जनाब, ये मेहरबानी करो सन अगे जान दो। अच्छा, तो इरफान हूँ अपने पाकिस्तानी भरावों को की पैगाम देगा? तू किस तरह आया वाह अपना आसानी ना आ गया? सर जी टोटल डंकी आई रास्ता में, किस कोई इस तरह का भी आई कि इस तरह का आई कि राह पानी भी नहीं मिलता, बहुत बहुत गंदा पानी पीता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की वेखो मालक जिम्मे लेख छे उनका लैना होंगे ना, बहुत बहुत गंदा पानी पीता है, बहुत जलील होकर आया कि तुम इमरान खान साहब आ दो कि मेरे बंदे वापस दो, लिहाजा असं मर जाना सन कबूल है। इमरान खान साहब असं वापस नहीं जाना चाहते, वजह है मस्कीन बंदे हैं, इतने पैसे भर के इतने आए हैं, खज्जल खुआर तो जलील होकर आए हैं। बराए मेहरबानी इमरान खान साहब वापस ना बुलाओ, गुजारिश है वोट की तुम टेंशन है, वोट दौर इतों की साडा लभ सी इंशाला अल्लाह के हुक्म नाल। तो बराए मेहरबानी इमरान खान साहब सन वापस ना बुलाओ, तो सन अगे जान दो। सब तो ज़्यादा पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन साडा दाना पानी लिखे हुए इतने असं आए हैं। अल्लाह करे सारे सही सलामत अगे जान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तेरे फाने ते किन्ने घंटे काम करना? इतने जनाब 17-17 घंटे भी काम करते हैं, 18 घंटे भी काम करते हैं, रेगुलर जो 12 घंटे ड्यूटी रेगुलर लेंगे। 12 घंटे जी सर। तो पाकिस्तान किन्ने घंटे ड्यूटी? पाकिस्तान जनाब एक ऐसा मुल्क है ना सर जी, अपनी मर्जी ना उठो, अपनी मर्जी ना करो। नहीं वो तो बिल्कुल गल सही है, पर मैं कंपेयर करना पे तुर्की ते पाकिस्तान वाले टाइमिंग दी, इतने किन्ने घंटे काम करना है, पाकिस्तान किन्ने घंटे काम करना? पाकिस्तान जनाब तकरीबन 8-9-10 घंटे काम करेगा। यानी कि 8 घंटे? 8 घंटे काम हर कंट्री में जनाब अपना काम है 8 घंटे। तुर्की वाहद कंट्री जिद 12 घंटे तो 13 घंटे तुम लगातार काम करना है जी। अगर तुम काम नहीं करना वो भी खलोगे, अगर नहीं ना करना तो मालक आँदे ना छित्र गित निकल जाओ इतों, पैसे नहीं देंगे है, हर गल के भाई जान धमकी लागे जी। सर बहुत जुलम करते हैं तुर्की वाले जड़े ना, बहुत जालम आदमी ने, हैं तो मुसलमान होए लेकिन मुसलमाना इन्होंने कोई एक अद्धी फितरत नहीं कि मुसलमान होने का, कोई नाते ही नहीं इन्होंने, कोई शर्म या ही नहीं, बहुत मैं की आखा जी।
जी सर। अच्छा तो हम एक आखिरी गल हम अपने पाकिस्तानी भरावान तो की पैगाम देगा कि इतने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इतने नहीं आना चाहिए, जो साना है सर जी पाकिस्तानों इतने तुर्की आना है ना, एक रात दिहाड़ रहे अगह निकल जाए। इस तो अगर बहुत इज्जत है, बहुत पाकिस्तानियों लाइक करते हैं, ठीक है। ये जो खास करके तुर्के ना है ना मुसलमान ही, लेकिन मुसलमान वाले रत्ती नहीं लाते कोई भी, ठीक है सर जी। तो लिहाजा जो साना है ना पिछो मोस्ट वेलकम आओ सही, लेकिन इतने नहीं रहना, जे नहीं रखना कि अगे जाना है, ठीक है। ठीक हो गया चाचू जी, तुम की कहोगे अपने पाकिस्तानी भरावां इतने किसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, काम के हालात थोड़ा जहा अपना पैगाम दे? बिल्कुल नहीं, इधर आने का सोचे भी नहीं बंदा, जैसे इतने तुर्की रह के काम करना है इधर नहीं आना, क्योंकि अगे जाने वास्ते तो ठीक है, लेकिन इतने आके बड़ी मुश्किल है। मैं आप कबीलदार बच्चे मेरे माशाल्लाह मैं बच्चों छड़ के आया, लेकिन मैं आप पर पछता रहा भी इतने आके, क्योंकि इतने जिनकी सैलरी इन्नी सैलरी असं पाकिस्तान भी कमा सकते, इतने बहुत मुश्किल है साढ़े वास्ते, क्योंकि रहने वास्ते भी साढ़े वास्ते बहुत माहौल गलत है। असं ना किधर जा सकते हैं, ना कोई साढ़ा करीबी है, ना कुछ इतने आपे जो यार दोस्त ही होंगे पास ही हेलो आए करने। तो आप रिजवान भाई से पूछते हैं ये क्या कहना चाहते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाईजान कि जो इधर आने की सोचता है वो पाकिस्तान में ही रहे, अपने माँ बाप के पास, वहाँ पर ही 25-30 हज़ार बंदा वहाँ पर आराम से कमा सकता है। तो उधर रह के अपने माँ बाप के साथ बच्चों के साथ खुश रह सकता है। यहाँ पे अब कोई ज़रा सी भी कोई टेंशन बन जाती है हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। खेती कर ले थोड़ा खा ले, जट्टा डुब दी जान बचा ले, पिछो सांभणे नी किसे मापे, तू चज दा कर्म कमा ले। पिंड वाले सिवे भी नसीब नहीं हुंदे, पिंड वाले सिवे भी नसीब नहीं हुंदे, माफी ने आके जदों संगी नपणे।